शहजाद आप ये कहकर कि आप सिस्टम मत करो, आप सिर्फ इस घटना की बात करो, नहीं आप ये चाहते हैं कि फिर आप चाहते हैं वायनाड की बात हो, आप चाहते हैं कि बेसमेंट की मौत की बात हो, लेकिन आप ट्रेन हादसे की बात नहीं चाहते। वैसे ही कांग्रेस चाहती है कि वायनाड की बात मत करो, यहाँ की बात कर लो, ट्रेन हादसे की बात। वैसे ही आम आदमी पार्टी का मेरा लक्ष्य नहीं है, जिम्मेदारी तो तय कर लो, एलजी की बात तो कर लो, लेकिन आप यहाँ के लोकल मुझे कंप्लीट करने दे, उनकी बात मत करो। 30 सेकंड के फॉर्मेट में आप मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए, मेरी पूरी बात होने दे। राजेश गुप्ता, अरे भाई आप जितना लंबा बोलते हैं आप मुझे बोलने नहीं देंगे, फिर मेरी बातों को आप बड़ी बड़ी बातें, मेरी बात हो जाने दीजिए। एक बार मैं आपको पूरा समय बता देता हूँ क्या है मेरा स्टैंड, 10 सेकंड और लगेगा। शहजाद केवल 10 सेकंड। हाँ मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वापस दे दूंगी, वापस आ जाऊंगी आपके पास। राजेश अभी जुड़े हैं, कई सवाल उनसे पूछने हैं। सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी से सवाल है ना सारे, आप जितना लंबा बोलिए उतने में खत्म हो जाती है। बोलिए, मैंने कतई नहीं कहा कि रेल की जो आज दुर्घटना हुई है उस पर बात मत कीजिए, कीजिए बात कि 1000 एक्सीडेंट होते थे, आज 13 या 15 होते, वो भी नहीं होने चाहिए, करिए बात। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब आज सामने सामने प्रूफ है कि फायर सर्विसेज में घोटाला हुआ, एमसीडी में घोटाला हुआ, विधायक ने घोटाला किया, कॉर्पोरेटर ने घोटाला किया, उस पर जवाबदेही ना, इसका मतलब नहीं है कि वायनाड में जो 90 लोग मरे हैं उसके ऊपर हम जवाबदेही फिक्स ना करें। आप तीनों पर कीजिए, तीनों पर जवाबदेही मांगिए। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नवीन शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, क्या सिर्फ वोट ही लिया जाएगा और वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी? जो आप नुक्कड़ अदालत लगाने की बात करते हैं, जन अदालत लगाने की बात करते हैं, छात्रों की समस्याओं पर नहीं लगाई आपने ऐसी कोई अदालत? 20 सितंबर। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है उसके ऊपर कोई जो मर्जी सफाई दे दे वो कम है। किसी भी तरह की सफाई से आपको जिसको जो जिसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो नहीं भाग सकता। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे मुझे दुख हो रहा है ये सुनकर कि किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले सैकड़ों एक्सीडेंट्स होते थे, अब 13-14 एक्सीडेंट होते हैं। मतलब 13-14 रेलगाड़ी एक्सीडेंट इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये इनकी डेस्परेशन है, ये इनका स्तर है राजनीति का, ये प्रवक्ता है, ये 13-14 एक्सीडेंट के लिए कह रहे हैं तो क्या हो गया एक्सीडेंट हुए तो? आप उसका जवाब दीजिए ना, पहले उसका जवाब दीजिए। आप हमला करने लगते हैं सीधे दूसरे दल पर, आप अपना जवाब तो पहले दें। आप कह रहे हैं हम इससे भाग नहीं सकते, क्या उसके लिए ये वोट मांग रहे हैं? ये वोटर नहीं है, इनकी अहमियत नहीं है। नवीन देखिए, असल समस्या क्या ये है? नवीन देखिए, नवीन पहले मुझे सुन लीजिए। माफी मांगनी चाहिए। चावला किधर है, वहाँ की कॉर्पोरेटर किधर है? ये निर्लज्जता की हद छोड़िए। वहाँ पर बच्चे खड़े हैं, वहाँ पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि वोटर लॉगिंग क्यों हुआ, वहाँ पर कमरे इतने असुरक्षित क्यों हैं, वहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चली? मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। नवीन शहजाद प्लीज बेयर विद मी। नवीन, क्या यहाँ पर जिनके घरों में बच्चे रहते हैं वो आपके वोटर हैं? जो ब्रोकर है वो आपके वोटर हैं? जो छात्र हैं वो वोटर नहीं है क्योंकि वो तेलंगाना से आए हैं, वो उड़ीसा से आए हैं, वो कश्मीर से आए हैं, ये वोटर नहीं है। इसलिए इनके जीवन की कोई कीमत नहीं है, इनके इनकी समस्याओं का कोई हल आपको निकालना नहीं है। क्या ये मुद्दा है? मैडम हम वोट और राजनीति और इलेक्शन इसमें ढूंढ ही नहीं रहे। चावला खुद चला रही है हॉस्टल, पूछिए वहाँ के लोगों से। ना इसमें राजनीति की बात करेंगे, हम भारती चावला खुद चला रही है, आम आदमी पार्टी की कॉर्पोरेटर गायब हो चुकी है। 13-14 रेलगाड़ियों को डीरेल होने पर क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 13-14 रेलगाड़ी डीरेल हुई है, इनके सामने क्या बात की जाए? ये सर इनका राजनीति का, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। हम आपको ये चावला किधर है पूछे
सुमेरा, इनको इधर उधर मत जाने दीजिए। ये बताना चाहते हैं कि हमने किस तरह से एई और जीई को सस्पेंड किया, हमने किस तरह से जो है कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि जो को सस्पेंड किया। आप सब इन छात्रों को सुन लीजिए, कुछ देर इन छात्रों को सुन लीजिए, कुछ देर इन छात्रों को सुन लीजिए। आप कह रहे हैं आप राजनीति नहीं करेंगे, पिछले 2 साल से एमसीडी में।